हम मुगलों को क्यों पढ़ रहे हैं? वो कोई फेसबुक को है तो महाराणा प्रताप ने किंग सागर लड़ाऊ बता दे कहानी तू पिथे बताओ महाराणा प्रताप ने किंग सागर लड़ाना है मान ली मुगलान बारह काटना है अब रावण ने बारह काटा है राम ने लड़ाओ किंग सागर आप बताओ ए फेसबुक या नेता है ए फेसबुक पर पढ़े उसे नहीं पता कि मुगल आने के बाद में भारत में कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं आई उन्होंने भारत को इतना मजबूत कर दिया वरना लोग अपन ठोक के जाता और अपन लूट के और ले जाता लुगायन उठा के और ले जाता। आप देखो बाबर आने के बाद में औरंगजेब तक भारत में कोई अटैक नहीं हुआ। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का हो गया पतन। उसके बाद में नादिर शाह आया था जिसने इतना कत्लेआम किया था दिल्ली के अंदर। कभी पटना नादिर शाह का फरमान जब पता चलेगा उसने कितना बुरा कत्लेआम किया था। चार ओर लाशें लाशें कर दी थी उसने। जो यहां से तख्त था उसे लूट के लेके गए। एक ये फेसबुक का नेता हुए। देश जितना मजबूत होगा आप देख लो मुगलों के समय कोई भारी आक्रमणकारी नहीं आया क्योंकि उनका उतना खौफ था उनका इतना बड़ा साम्राज्य था। तो किन लड़ाओ महाराणा अब सांगेन किंग सागर लड़ाऊ बता तू भी बाबर सागर लड़ाना पड़ेगा सांगेन जब मुगल में बारह काट दी फिर किंग सागर लड़ाऊ तू बता अशोक गहलोत सागर ठीक हो कौन समझाओ तो आने बुद्धि नाम की फेसबुक पर पढ़ ले अरे चालू हो जाए अंग बहु इतिहास इसी ही है जाने पढ़ना पड़ेगा भैया। आप रामायण पढ़ोगे आपको रावण का नाम लेना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा आप उनको रावण को बाहर निकाल दोगे रामायण कैसे पढ़ोगे आप भी राम का अस्तित्व किस वजह से है तो महाराणा प्रताप का अस्तित्व किस वजह से है भी अकबर लड़ाई कर इज्जत ही तो है बावड़ोगे ठीक हो।